मेरी समस्या एक नौकरी की थी, वो पूरी हो गई और एक पैर में दर्द था, वो ठीक हो गया। अच्छा। 15-20 साल से गड़बड़ी पेट में। 15-20 साल से थी। हाँ जी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल रखा था, अभी ठीक हूँ बाबा की कृपा से। अच्छा, ऑपरेशन से बचा दी। हाँ जी बचा दी। बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ जी बिल्कुल ठीक। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसका दिक्कत बहुत ज्यादा थी, तो हम तो पहली बार आए थे, अब की बार दूसरी बार है, तो इसका न्यू लगा लो 80-90% आराम हो। पहली बार में क्या समस्या है? एलर्जी। एलर्जी पर पड़े फर्क? हाँ। कितना? 90% होएगा ठीक फिर तो। हो गयो। हो गया। लोक प्रसार चैनल देख रहे सारे भाण भाइयों ने मंगत राय लामा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों फिलहाल खड़े हैं शनि शक्ति धाम सीसवाल में, और आज पूर्णिमा का दिन है, 21 तारीख को ही मना ली गई है पूर्णिमा, और फिलहाल पब्लिक देख रहे हैं आप लाइन में लगी, और बाहर इतनी जनसंख्या है जो भोजन कर रही है, पूरा भंडारे चल रहे हैं सुबह से, और इतना भीड़ होता है यहाँ पर कि हद से ज़्यादा लोग यहाँ पर, मनोकामनाएं पूर्ण होती, सभी से आपकी बातें करवाऊँगा। फिलहाल गुरु जी झाड़ा लगा रहे हैं, और साथ में हमारे जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो सहायता कर रहे हैं तावीज देने में। जो भी नारियल है आपके, जो भी नारियल लेके आए हैं, अपने हाथों में रखिए, मनोकामनाओं का ध्यान करिए, जो भी आपकी मनोकामना है वो मांगिए भगवान से। हे भगवान, इसी कार्य के लिए मैं इस धाम में आया हूँ, मेरा ये कार्य पूरा हो ताकि मैं इस धाम में बार बार आ पाऊं। मन को शांत करिए, 2 मिनट के लिए जो भी आपकी मनोकामना है मांगिए भगवान से। जब भी आप मनोकामना मांगेंगे, ये भूला ना है कि कोई मेरे आगे बैठा है या पीछे बैठा है क्या सोचेगा, इस चीज को भुलाना है। हाथ में नारियल रखना है, जो भी आपकी मनोकामना है वह मांगिए कि हे भगवान, मेरा ये कार्य है, इस काम के लिए आया हूँ, मेरा ये कार्य पूरा होगा। जो भी आपकी मनोकामना है, एक है, दो है, तीन है, या किसी की पिछली बार पूर्ण नहीं हो पाई हो, तो उसके बारे में मांगे कि हे भगवान, पिछली बार कोई अर्थी रुवाई थी, इसमें कोई गलती रह गई है, तो क्षमा करो और मेरा ये कार्य है वह पूर्ण करो। जी कहाँ से? चंडीगढ़ से। पहली बार आए हैं? हाँ जी। आप भी पहली बार आए हैं? नहीं, दूसरी बार। नहीं, पांचवी बार। आप भूल भी गए कितनी बार? पांचवी बार। क्या समस्या है? मेरी समस्या एक नौकरी की थी, वो पूरी हो गई और एक पैर में दर्द था, वो ठीक हो गया। अच्छा, नौकरी मिल गई आपको? हाँ, जो वहाँ से नौकरी से मैं मतलब निकाल दिया था। रुक जाओ, फिर के बाद मैं लगवा दूंगा झाड़ा। अच्छा, तो वही नौकरी वापस मिल गई? वही नौकरी वापस मिल गई। और पैर में कितने साल से दर्द था? 3 साल से। और कितने झाड़ों में ठीक हो गया? पहले झाड़े से आराम लग गया था, लास्ट तक कर नौकरी भी मिल गई थी, 4 बारी आई, 3 शनिवार 1 पूर्णिमा। अच्छा। तो नौकरी भी मिल गई थी, जो लास्ट शनिवार था, चौथा, यहाँ से जाते जाते रास्ते में मैसेज आ गया था। अच्छा, क्या बात। तो ये बात सही है कि 2 पूर्णिमा 2 शनिवार और मनोकामना पूर्ण हो जाती है? 1 पूर्णिमा आई थी, 3 शनिवार आई थी, पूरी होगी मनोकामना। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कहाँ से हैं जी? डोबी। कई बार तमताते रहते हो गए? 6-7 महीना हो गया। क्या समस्या थी? ये चीन पिंड रहे बोकर डांगर पशुआम टापटी क्रम। ठीक होगी बिल्कुल? अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। बैल जी राम राम। राम राम जी। कहाँ से हैं? सार से, तेजा मार्केट। आपको क्या समस्या है? पेट की दिक्कत है, अब ठीक है बाबा की कृपा से। क्या दिक्कत थी? पेट में दर्द था। कितने साल से? 15-20 साल से गड़बड़ी पेट में। 15-20 साल से थी। हाँ जी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल रखा था, अभी ठीक हूँ बाबा की कृपा से। अच्छा, ऑपरेशन से बचा दी? हाँ जी बचा दी। बिल्कुल ठीक हो गई? हाँ जी बिल्कुल ठीक। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ से? हथौड़ नरवाना। आपके क्या समस्या है? दिक्कत है, सर्वाइकल गोड्डे मोड्डे का दर्द है। क्या झाड़े लगवा लिए? दूसरी बार आए हैं जी। फर्क पड़ा कि? हाँ जी आराम है जी। यानी पहले झाड़े में फर्क हो गया कुछ? हाँ जी हाँ जी। कितना हाथ दाग हो गया कि? हाँ जी आता जी। अच्छा, सच कह रहे हैं? सच है जी। अच्छा हाँ जी। कितनी साल तक रीढ़ की हड्डी मारी है सर्वाइकल? ये 2006-07 से जी। 2006-07 से, यानी 8-9 साल होगी। हाँ जी। अब ठीक है आप? हाँ जी। लगवाओ झाड़ा लगवाओ। आप भैया कहाँ से? राजस्थान झुंझुनू जिला से। झुंझुनू से? हाँ। क्या समस्या आपकी? मुकदमा चल रहा है। मुकदमा चल रहा है? मुकदमा तो कुछ मुकदमे में हुआ हल कुछ निकल रहा है? तारीख क्या कहते हैं गुरुजी? गुरुजी बोला हो जाएगा, 2 तारीख और पड़ेगा वो। ठीक हो जाएगा। आप जी? मैं जी सार से। हाँ जी सार से। आपके क्या समस्या है? इसके गोड्डे में दर्द रहे करदा में, तो इसलिए आऊँ।
जिसका गोड्डा अंदर ठीक हो गया? हाँ ठीक हो गया, इब्राहिम है इसका। राम है? हाँ राम, पहले से राम। कितने साल तक था गोड्डा अंदर? ये 5-6 महीने हो गए जी। हिम्मत कुछ राम है, दूसरे गए आया मुझे अभी तो। अच्छा, अभी तो कितना लग गया, 20-30% आराम ना? इतना तो है जी। आइए आगे आइए। आप कहाँ से हैं जी? आप डोबी, खरिया डोबी। खरिया डोबी, अच्छा। आप लोग क्या समस्या है? समस्या तो मेरे जोटी दूध कौन दे, वही देन लग गई बढ़िया। जोटी दूध देन लग गई, बिंदोले ना गिरे तो भी दे दे है। कोई समस्या को नहीं जी, दरबार में आ जाओ दो। अच्छा अच्छा, बहुत खुशी की बात, वेरी गुड। आप भैया? शिवानी से। शिवानी बोला ना? रांगड़ा में। रांगड़ाने? हाँ। अच्छा अच्छा, क्या समस्या है? समस्या तो बाबा ने बता दी। बाबा ने बता दी? मैंने बता दे, मैं भी तेरे बाबा गाना गाए हूँ। मैंने ही बता दे, बाबा ही ठीक करेगा। बाबा ठीक करेगा, करे तो बाबा ठीक का। चलो, आपके क्या समस्या थी? समस्या गुड़िया थी, बड़ी गुड़िया। क्या समस्या थी? दिमाग की प्रॉब्लम थी, घने डॉक्टर ने दिखाया, कोई फर्क पड़ा, यहाँ आने के बाद मैं ठीक है। गुड़िया गुड़िया मम्मी साथ में आई, पीछे पीछे। हाँ जी। अच्छा चलो, पूछते हैं भाई हम भी। आप भैया कहाँ से? डोबी से। आपके क्या समस्या थी? घरवालों की समस्या थी। घरवालों के हो गया ठीक? बिल्कुल बिल्कुल। कितने दिन से? लगभग 2 महीने हो गए। अच्छा, अर्जी लाने से? अर्जी लाने से। क्या बात है, आगे रोजा करो। आप कहाँ से? नौर से। पहली बार आए हो? ना, कई बार ही आ गया। क्या समस्या है? एलर्जी। एलर्जी पर पड़े फर्क? हाँ। कितना? 90% होएगा ठीक फिर तो? हो गया। हो गया। अच्छा, आप भैया कहाँ से? मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से। कितनी बार आए हो? हाँ, दूसरी बार आया। क्या समस्या थी? समस्या तबीयत खराब रहा है। तबीयत खराब रहा है, बीमारी रहा। फर्क पड़ा कि? हाँ आराम है। आराम है। आप कहाँ से जी? इनके साथ में। आप भाई साहब कहाँ से? मुकलान से। मुकलान से। आपके क्या समस्या है? बस दुकान का काम बंद रखा था। दुकान का काम चल रहा है कि? फर्क पड़ रहा है। फर्क पड़ गया? हाँ जी। क्या बार आ लिया? पहली बार आया। पहली बार आया जी। अच्छा, पहली बार फर्क ना? नहीं, वैसे आया था, पता चलता था, पहले आया था मैं। अच्छा, तो पूर्णिमा से पहली बार आया हूँ। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप? डोबी। हैं? डोबी। पहली बार आई है? ना, कई बार आ गई। क्या समस्या थी? मेरे तो पैंट आया करता। हैं? पैंट आया करता। अच्छा, तेरे तो बात हुई थी पहले मेरे ख्याल है। हाँ। बैठे ठीक हो गए तेरे? जमा सही। रेडी होगी घोड़ा भर की? जमा घोड़ा भर। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप भैया कहाँ से? गुड़िया। डोबी से। इनके साथ ही है क्या? ना जी। आपके क्या समस्या थी? मन बेटा चाहिए, हम 1 साल हो गया, मेरा बेटा हो गया। बेटा हो गया? बेटे की अर्जी लगाई थी जी। हाँ। 1 साल का हो गया? हाँ, 1 साल का हो गया। अच्छा जी, दो गुड़िया को है। दो गुड़िया थी पहले जी, और यहाँ बेटा की अर्जी लगाई? हाँ जी। बेटा हो गया? हो गया जी। चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आप भैया कहाँ से? हिसार से। क्या समस्या? युवा उनकी समस्या है, नौकरी वाली है। नौकरी वाली है भाई, मिल जा जी लड्डू लाइए। कहाँ से? हिसार से हैं भैया। आपकी क्या तकलीफ से? मेरे तकलीफ को नहीं भैया, घर के बारे में आ रहे हैं हम तो। घर में सुख क्या है? पूछा पाछा करवाई थी, पत्रा दिखाया था भैया। पत्रा दिखाया था भैया। फिर क्या बोले भगत जी? ओ जगह आराम ने बोले। हां ठीक है। तो भाई याद घूंघट वाली कड़क है? झुंझुनू जिले से। हैं? झुंझुनू जिले चिड़ावा से। अच्छा, चिड़ावा से। तुम्हारा आंख है ढंग ढंग का के पा जाता हूं गाड़ी के, तो इसने कह दऊं ढंग पंखा ही कौन बड़ा आंख है। अच्छा अच्छा अच्छा, कब पहली बार आई है के? ना, दो तीसरी बार आ गए। तो ये समस्या थी भाई? मैं तो लड़की के साथ में आई थी संतान के लिए। क्या समस्या लड़की को? संतान को नहीं, 3-4 साल लग जाए। अर्जी लगाई है? चलो भाई, वो हो जाए। पुण्य ने तो शनिवार ने बुलाया था ना मुझे। चलो बहुत बढ़िया बात। हाँ गुड़िया, आई मुस्कुराहट चेहरे पे, कुछ फर्क पड़ा? हाँ ठीक हो। ठीक है गुड़िया? हाँ ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। चलो, आप? डोबी से। क्या समस्या थी? डिप्रेशन। डिप्रेशन। अच्छा, डिप्रेशन में पड़ा फर्क कि? कितना ठीक होगी दिक्कत? तू तो रेडी है तेरे तो दिमाग में कि गड़बड़ है? क्या बार आने तो ठीक होगी थी? 4-5 बार आई। 4-5 बार सही है, कोई समस्या को नहीं? गुस्सा कसा को नहीं होगी? घर वाले ने दबड़का होगा क्या तू? चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शनिदेव करेंगे भाई। आप? इनकी मम्मी हूँ। अच्छा, इनकी मम्मी है। ठीक रहे? हाँ बिल्कुल ठीक रहे जमा। ठीक रहे? हाँ बिल्कुल ठीक। आप कहाँ से? शीशवाड़ से। तुम तो पारी होगी, समस्या बेटा तारा भी? सिर में दर्द और पेट में दर्द रहे। अच्छा, कितने साल तक? कई साल तो लगे मन तो तेरे?
है तो सर विराम है की संदेह आराम हो है कितना आराम हो गया और या गणेश राम तो गणेश राम हो गया कई बार आई है दो तीन बार आई दो तीन बार आने तो आराम हो गया हाँ। अच्छा चलो बहुत बढ़िया आपके छह साल से आपके किस समस्या है कुछ भी नहीं ऐसे कुछ भी को नहीं चलो बहुत बढ़िया समस्या होनी नीचे बड़े बालका के बैले भाई इसकी सनी देव नहीं सुनो तो किसकी सुना है हर शनिवार ने हर मंगलवार ने हर बृहस्पतिवार ने ताई आई रहे है ना जुम्मा ठाट कर दिए आवाज दे सनी ता दूसरा उसने बोला मैं तो ठीक छु जुम्मा हां बढ़िया आप कहां से राम 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 आप जी कहां से शहर से आपके के तकलीफ से शुगर है जी शुगर कै बोरी ना कितनी 400 450 रहती है 400 450 कितने दिन से रहो है 7-8 साल हो गए पुराण तो फर्क पड़ा कि अभी तो दूसरी बार आई है दूसरी बार तो पहली बार में किमे तो पढ़ना चाहिए 5-10 पॉइंट का अभी तो। चेक को नहीं करे चेक करे घरा चेक आज करिए हां ठीक है और अगली बार बताइए नैल लगाऊं जी नैल ला पावड़ा रे नैल वाले ओके क्या है भाई ठीक है जी ठीक से हां तो क्या ता रहे है आगे घर की सुख शांति खातिर सुख शांति होगी हां जी कैक बरा लिया चौथी बारी जी पुनवासी हाँ तीन फेरी पहली लगी खूब बढ़िया होगा हाँ ठीक है जी मानना है धाम में खूब मानना शांति बाबा पाखंडी तो नहीं है नहीं जी सही है सही है सुख शांति हो बार पी कह ले है काई भी ले जी वो एक दो बोरी की होंगे वहाँ की ना जी कुछ नहीं लिया मैं कौन मांगे हाँ मैं खा के गई हाँ जी अच्छा। आप कहाँ से जी गड्डी से जी गड्डी सापला नहीं महंदा गड्डी महंदा गड्डी अच्छा आप भी हाँ जी आ जाओ पति पत्नी है पक्का दूसरी बार आए हैं आराम है पूरा ये समस्या थी बंजी समस्या मेरा शारीरिक प्रॉब्लम थी अच्छा आराम है समस्या पूरा आराम आप तो इसने ठाई अंडे दोगे आपका भी तकलीफ से है मेरा तो और तकलीफ है इस विकेट की कोई बात नहीं तो तू विकेट जाएगी यार ठीक कोई बात ना तू ठीक इसका यह था कि इसका दिक्कत बहुत ज्यादा थी तो हम तो पहली बार आए थे अब की बार दूसरी बार है तो इसका न्यू लगा लो 80-90% आराम हो पहली बार में ही कमाल हो गया भाई बिल्कुल 80-90% वास्तव में यहाँ तो शक्ति है बाबा के दरबार में मानना जी बात ना भाई न्याय का देवता है फलदाता है बिल्कुल बहुत बढ़िया आप कहाँ से जी मैं आज डिस्ट्रिक्ट जिले खरल से खरल से जी आपकी वीडियो देखी थी मैंने कई बार और आपकी वीडियो देख के माध्यम से आया हूँ पहली बार आया तारीख खतर के नेरा पलात किट रहे है उड बैठ जाओ जाके क्या लाइन चला किसी पे तो गर्मी हो रही हूं आ रही हूं उड ए खड़े रहो शांत रहो धीरे 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 चले जाओ हां जी खरल से हां खरल से हां जी डिस्ट्रिक्ट जिन से आपके वीडियो देख के पहले भी आपकी वीडियो वो देखते हैं और आपकी वीडियो से प्रेरित होकर इधर आए हैं पहली बार आया हूं थोड़ा शरीर में थोड़ी दिक्कत सी है अगर मैं भी तो देखते हैं बाबा के दरबार में भी अर्जी दोग लगाई है तो बाकी देखेंगे क्या था। वैसे देखिए यहाँ आने से कुछ ऐसा मतलब अलग सा महसूस नहीं होता कि धाम में किसी धाम में जाते हैं तो अलग सा थोड़ा सा सुकून मिलता है जी मिलता है ना सुकून मिलता है और धामों से अलग धाम है हाँ फर्क है ऐसा है ना मानो सोए दापा केकड़े की है कौन सा काम है सिरडाण 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 है अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया पहली बार आई है के तो छह महीने हो गए क्यों भाई के बात ड्यूटी ला रखी घर लेने धन्यवाद भाई साहब आप गुड़िया नैला आपका क्या समस्या है कुछ नहीं है बढ़िया हूँ बढ़िया हूँ न्यू तो क्या हो रहे सज दिया वहाँ फर्क पड़ा है अच्छा बहुत बढ़िया ना बताओ समस्या चाहे न्यू तो बता दो फर्क पड़ेगा नहीं नमस्कार जी नमस्ते कहाँ से बहन जी जी मैं पानीपत से आई हूँ पानीपत से हाँ जी अच्छा अच्छा क्या समस्या है घर की दिक्कत थी पहली बार ही आई हाँ जी पहली बार आई हूँ चलो लगाओ और जी आप है कौन बताओ ना बताओ तम भाई रानी मौत करूँ हाँ जी रानी मौत करूँ आवा मैं तो दो तीन बार आ लिए दो साल हो गया मान तो अच्छा है दरबार हाँ मनोकामना भी पूर्ण होती है क्या खूब हो गए अच्छा क्यों हुई आपकी सारा ही काम हो गया फिर कठो ही बतावांगा थाने कठो ही चलो लिख ले होगा नमस्कार जी मैं पहली बार आया हूं दिल्ली से जी दिल्ली से हां जी जी आपकी वीडियोस देखता हूं आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है सब यहां पर आज मांगने आते हैं मैंने अपने के लिए मांगा लेकिन आपके लिए मांगता हूं कि आपके जल्दी 10 मिलियन फॉलोअर्स हो जी थैंक यू धन्यवाद शुक्रिया आप दिल से आप जैसों की दुआएं हमारे साथ है आपका आशीर्वाद आपका प्यार बना रहे बिल्कुल
हाँ बेटा, आप कैसे आते हैं? पास कर दे। एक साल में तीन क्लास दो। अच्छा चलो, मांग बहुत बढ़िया जी। हम जिला जिंद ब्लॉक जुलाना बीच पिछाड़े गांव के नाना सीधा रोड लगा छोटा मोटा टल गांव में पुराने ठिकाना किसी ने जाकर पूछ लियो वहाँ भी केडी का गाना बजाना बंजू बनाना। अच्छा, गाँव से आए जी। नाम के है? विनोद कुमार है जी। विकेडी? विकेडी। वाह भाई, गंजू बनाओ भी सर, गाओ भी सर, बजाओ भी। बजाओ भी सर जी, सारे काम भाई। बहुत अच्छे कलाकार भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है छोटे से धाम पर। ठीक है। कैसा लगा धाम? बढ़िया लगा जी, बहुत बढ़िया धाम लगा। आप ये इनकी पत्नी है? ये है जी पत्नी। यह है? अच्छा, तू भी गीत गाया करके? तो बजाया करे? नहीं, कोई इसके कान पकड़ के बजा देती होगी। चलो ठीक है। आप कहाँ से? नए गाँव जी। हाँ जी। आपकी क्या समस्या भाई? सर, नौकरी प्राप्ति के लिए। अच्छा, अर्जी लगाई है? हाँ जी। पहली बार आए हो? पहली बार। लगाओ अर्जी, लगाओ। हाँ भाई, तुम भी पहली बार आए होगे? हाँ, दूसरी बार आए। क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं, बस वो ऐसे घर की प्रॉब्लम। आप? हम आते रहते हैं, काबरेल से ही है हम। काबरेल से ही? हाँ जी। क्या समस्या थी? कोई समस्या नहीं, मत्था टेकने आते। अर्जी ले रही, झूठ मानना मानना कौनी? गुड़िया के नाम की है। गुड़िया के नाम की? अच्छा, ये गुड़िया देखो, प्यारी सी गुड़िया, क्या किस लिए लगा रहे इसका? हाँ जी। किस, क्या समस्या है? ये इसकी तबीयत थोड़ी डरती वगैरह है ना, इसलिए। हाँ जी। अरे तेरे को तो आर्मी में लगना है, डरती क्या है? किसी से नहीं डरती है, तो शेर जैसी लड़की है। मैं आपको रास्ता बता देता हूँ, शनि शक्ति धाम शीशवाड़ में आने का रास्ता है। हिसार आइए, आप किसी भी स्टेट से आते हैं, हिसार जिला हरियाणा का, हिसार जिला, हिसार आए, हिसार के बस स्टैंड पे आए, बस स्टैंड के 12 नंबर बूथ पे बस लगती है, बगड़ा भादरा वाली, उस बस में बैठिए, काबरेल गांव की टिकट लीजिए, काबरेल गांव की टिकट लीजिए, बस स्टैंड पे उतर के मात्र 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर की दूरी पर शनि धाम है, शीशवाड़ा रोड पर, आदमपुर रोड पर। किसी से भी पूछ लीजिए शनि मंदिर में जाना है, तो हर शनिवार को झाड़ा लगता है, मंगलवार और वीरवार यानी बृहस्पतिवार को पूछा दे के जाती है, और पूर्णिमा को विशेष अर्जी लगती है, हवन यज्ञ होता है, उसमें नारियल की आहुति दिलाई जाती है, और विशेष ताबीज जी दिया जाता है जो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। और आज सभी वो जो नारियल के लिए, सॉरी, उस ताबीज के लिए बहुत भारी भीड़ है। और आइए मैं आपको दिखा देता हूं बाहर की तरफ, एक बार आइए, ये देखिए भंडारा चल रहा है, इतनी जनता अंदर है और इतनी ही बाहर। ये भंडारा, ये देखिए, ये भंडारा चल रहा है, भोजन कर रही है सभी भक्तजन। यहाँ पर एक विशेषता है, 24 घंटे भंडारा चलता है, हर समय भंडारा चलता है यहाँ पर, मंगलवार हो, शनिवार हो, चाहे वीरवार हो, रुकने की पूरी व्यवस्था है। और जनता देखिए, भीड़ देखिए कितनी है, ये अभी संडे वीकेंड हो गया, बता दो। हाँ, ये देखिए, और ये सामने अर्जी लगाई जा रही है लोगों द्वारा, यहाँ पर अर्जी लगती है, 41 फुट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति, और सामने ही शनि महाराज का मंदिर है, विशाल प्रांगण। और ये देखिए भोजन, भोजन की व्यवस्था बढ़िया यहाँ पर बांटा जा रहा है, भोजन, हलवा, पूरी, सब्जी, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं यात्रीगण, और अंदर झाड़ा लगाया जा रहा है।